पप्पू तुम व्हाट्सएप पर हो? लड़की नहीं मैं घर पर हूँ। पप्पू मेरा मतलब तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? लड़की नहीं मैं फ्रिज यूज करती हूँ। पप्पू अरे मेरी माँ तुम्हें व्हाट्सएप चलाना आता है? लड़की नहीं पर तुम चला लेना मैं पीछे बैठ जाऊंगी। मैं घर लेट आया तो पापा ने पूछा कहाँ था? मैंने कहा था मैं मित्र के घर था। पापा ने मेरे सामने मेरे 10 दोस्तों को कॉल किया। 4 ने कहा जी अंकल यहीं पर था, 3 ने कहा अभी अभी निकला है और 2 ने कहा यहीं पर है अंकल पढ़ रहा है। फोन दो क्या? एक कमीने ने तो हद ही कर दी, वो मेरी आवाज़ में बोला जी पापा बोलो क्या हुआ। यह सुनकर पापा भी हंस पड़े और बोले दोस्त जिंदगी में मिलते हैं बल्कि जिंदगी में दोस्त नहीं मिलते। शादी से कुंडली चेक कराने से अच्छा है लड़के और लड़की के फोन चेक करवा ले, सब कुछ पता चल जाएगा किसकी जोड़ी कहाँ जम रही है। एक राजा ने ज्योतिषी को बुलाया और बुलाते ही जेल में डाल दिया। ज्योतिषी मेरा गुनाह क्या है? राजा यही कि तुम्हें अगर अपना भविष्य पता होता तो तुम यहाँ आते ही क्यों। मैडम डंडा लेके क्लास में आई। मैडम पिंकी तू कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? पिंकी मैडम मैं सपने में जापान पहुंच गई थी। मैडम बिल्लू तू कहाँ था कल? बिल्लू मैडम मैं पिंकी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। मास्टर कमीनो पढ़ाई शुरू कर दो पेपर आने वाले हैं। पप्पू मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ कुछ भी पूछ लो मास्टर जी। मास्टर बता ताजमहल किसने बनवाया? पप्पू जी मिस्त्री ने बनवाया। अबे गधे मतलब किसने बनवाया? पप्पू ठेकेदार ने बनवाया होगा। लड़की ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा के आई। लड़की जैसे ही मेट्रो ट्रेन में चढ़ी बंगाली आदमी बोला हॉट। लड़की थैंक यू डियर। बंगाली अरे काहे का थैंक यू? हम बोला आगे से हॉट हमको उतरना है।